जब हमें कोई रोग होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब एक डॉक्टर को ही रोग होता है तो वो किसके पास जाते हैं? अब जैसे सीरियल संजीवनी की डॉक्टर ईशानी को हो गया है ना, प्रेम रोग। लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इस रोग का इलाज है डॉक्टर सिद्ध के पास। कभी सिद्ध ईशानी की रोमांटिक डेट, तो कभी हॉस्पिटल के अंदर काम के साथ रोमांस। ईशानी हुई सिट की दीवानी, शुरू हुई प्यार की नई कहानी। सिट के प्यार में पागल ईशानी खुली आंखों से सपना देख रही है आज, और सिट के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रही हैं। वो कभी रोमांटिक डेट का सपना देखती हैं, तो कभी हॉस्पिटल के अंदर ही सिट से रोमांस फरमाने लगती हैं। हद तो तब हो गई जब ऑपरेशन के दौरान ही ईशानी को पड़ गया लव अटैक, और वो ऑपरेशन के बीच में ही सिट से आशिकी लड़ाने लगी। और ईशानी को ऐसा करते देख बेचारे सिट सकपका से गए और अजीबो गरीब मुंह बनाने लगे। I don't want to handle any of his cases. मैंने आशा को सौंप दिया है। मैं उनके आसपास रहती हूँ ना, तो अजीब अजीब चीजें करती हूँ। OT में मैंने कुछ कर लिया, इधर कुछ कर लिया, तो I think I want to stay away from the boy. तो वहीं जब ईशानी को होश आया तो उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया, और वो दोस्तों के आगे ही सिट के प्यार में रोने लगी और नौटंकी करने लगी। बेसिकली ईशानी एज अ कैरेक्टर ना ज़्यादा बात नहीं करती, पहली बात करती है तो मुद्दे पे बात करती है, लेकिन ये जो नई फीलिंग वो फील कर रही है अबाउट लव, अबाउट समबडी केयर, तो उसके मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे डायलॉग्स निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे लाइनें निकल रही है ना, जो वो खुद भी अपने आप को मुंह बंद करके बोलना चाह रही है कि मत बोल यार ईशानी, फिर भी तू बोली जा रही है। डोंट वरी ईशानी भाई, दोस्त तो दिल हल्का करने के लिए ही होते हैं। वैसे हमें तो लगता है कि दोस्तों के आगे रोने से अच्छा है कि आप सिट के सामने अपना हाल दिल बयां करें। हो सकता है कि सिट भी आपको प्यार करते हो लेकिन कहने से डरते हो, तो फिर देर किस बात की, कर डालिए अपने प्यार का ऐलान। विशाल शर्मा, मुंबई आज तक। We'll be right back.